सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज है तो बांग्लादेश में भी उसका अपने सेपरेट कुकी लैंड बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्मा में भी एक उसका लड़ाई चल रहा है। मणिपुर का इशू है सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो लार्जर बर्मा इंडिया और म्यांमार सब मिल के एक कुकी का बड़ा कुकी लैंड बनाना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें 140 दिन से भी ज्यादा हो गया है कुकी और मेतई समुदाय के जो लोग हैं मणिपुर में वो अभी भी यहाँ धरने पर हैं और कहा जा रहा है कि जो पूरी तरीके से वहाँ पर इंटरनेट बैन है, सारी चीजों की जो है वो वहाँ पर परेशानी हो रही है। और इसके बाद भी यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर ये धरना दे रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। आज फिर ये यहाँ पर आए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मेतई समुदाय के लोग हैं सर, क्यों आए हैं आप जंतर मंतर पर लगातार आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आज क्यों आए? ये अभी तक 10 बार प्रोटेस्ट है और हम अगले ये 10वां प्रोटेस्ट है और जब तक हमारा जो चौरचांदपुर से मितई को दबा के भगा के उसका घर जलाया था जब तक वहीं पे वापस नहीं होंगे हम वहीं पे प्रदर्शन आते रहेंगे, क्योंकि हम चाहता है मणिपुर के जितने भी कम्युनिटीज है हम प्यार से रहना चाहता है। और ये किसी नाको टेररिज्म ने इसको हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को दे हैव एक्चुअली ब्रोकन आवर थिंग, तो हम बट वी विल विन द वॉर बिकॉज हमारा प्यार विल जीत है, जो प्यार इज बिगर देन द हेट्रेड, सो वी विल विन इन दिस वॉर। बट टिल the people who have been displaced, जो कुकी हो इम्फाल से चला गया था वो भी वापस आना है, जो मितई है मोरे से और चौरचांदपुर से घर वो बगा के आया है उन लोगों को भी वापस करना है। जो हमारा अगर सुलझ जाती है तो क्या आप दोनों समुदाय के लोग एक साथ रहने के लिए क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मणिपुर तो ऐसे ही है, मणिपुर इज लाइक मिनी इंडिया, क्रिश्चियन भी है, मितई भी है, सनामई भी है और ऑल कम्युनिटीज आर देयर। लेकिन जब यही सवाल कुकी समुदाय के लोगों से पूछा जाता है तो वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं रहना हमको एक साथ। तो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ये अभी इसी लड़ाई की वजह से नहीं आ रहा है, वो पिछले 20-30 साल से वो लोग मांग कर रहा है मगर वो लोग सरकार के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, वो मितई समुदाय मणिपुरी कम्युनिटी को अटैक कर रहा है। जो हमारा कहना है जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि मणिपुर इज ए वेरी स्मॉल स्टेट। क्यों मांग रहे हैं वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन? वो मांग रहे हैं कि लाइक इट्स लाइक सिर्फ कुकी के लिए एक लेन बनाना चाहता है, इसीलिए वो मांग कर रहा है। So, दोनों समुदाय के लोगों से पूछा जाता है फिर चाहे वो कुकी हो चाहे मेतई हो तो कुकी समुदाय के लोग कहते हैं कि हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। क्यों चाहिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन? एक्चुअली वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वो मांग कर रहा है कि वो लोग मणिपुर के अंदर पे सिर्फ कुकी के लिए राज करना चाहता है और वो इसी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पे खुली खुला से पॉपी प्लांटेशन करने के लिए और जो भी जितने भी फॉरेस्ट लैंड है। क्यों आखिर क्यों करते हैं ये प्लांटेशन और क्या इनके पीछे जो है कोई और है या सिर्फ अपने समुदाय के लोग इकट्ठा करके प्लांटेशन कर रहे हैं? ना, हमारा कहना है कि अभी मणिपुर के अंदर में जितने भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें कम से कम 15,000 acres के अंदर पे पॉपी को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके अंदर पे 13,000 hectares है वो कुकी डोमिनेटेड एरियाज में है। तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द एरिया का पॉपी प्लांटेशन है वो कुकी डोमिनेटेड एरिया में होता है। तो इसमें सरकार ने उसके ऊपर में डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने इसको रोकने के लिए एक दंगा शुरू कर दिया था। सो और वो चाहते हैं कि हाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करो सो दैट वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे जो करें वो हमारी आजादी। एक नार्को टेररिज्म का एक मांगे कि गोल्डन ट्रायंगल है, जो भी पॉपुलर प्लांटेशन होता है उसमें सेपरेट कोई टेरिटरी चाहता है। तो ऐसी तरह मणिपुर के अंदर पे गोल्डन ट्रायंगल की तरह एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करके गोल्डन ट्रायंगल की तरह करना चाहता है। सो इट्स एक्चुअली वेरी मच पार्ट ऑफ द नार्को टेररिज्म डिमांड। क्या यही वजह है कि कुकी और मतई दोनों एक साथ हो कह रहे हैं, कुकी वाले कह रहे हैं कि मतई वालों के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अभी ये वही तो कह रहा हूँ, ये इस प्रॉब्लम से शुरू हुआ था। पहले तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कुकी भी हमारे साथ में रहते थे, ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अभी वो लोग भी समझ जाएंगे कि मणिपुर साथ में रहना है और
और इसका आल्सो नॉट पॉसिबल। सवाल जब हम आपको बता दें, ग्लैडी एक जो बहुत चर्चित चेहरा है अपने समाज की, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको जो है वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे घुमाकर वो भाग गई। हाँ हाँ, आप लोग ये समझना पड़ेगा मणिपुर का वैली एरिया है ये सिर्फ 10% है और पूरा हिल एरिया 90% है। उसमें नागा भी रहते हैं, कुकी भी रहते हैं, मैतेई भी रहते हैं, तो हम किस किस एरिया को सेपरेट करेंगे? वो तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सेपरेट टेरिटरी नहीं है कि नो अभी यहाँ को ऐसा कोई टेरिटरी है सिर्फ सी एक कम्युनिटी कोई भी नहीं है मणिपुर के अंदर में, ऐसा कोई टेरिटरी नहीं है। ये कुकी का है, ये नागा का है, ये मीतेई का है, सब में मिल के रहते हैं, तो आप ऐसे कैसे बांटेंगे? ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां भी लगी हुई हैं जो करवा रही हैं? नहीं, ये अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, तो बांग्लादेश में भी उसका अपने सेपरेट कुकी लैंड बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्मा में भी एक उसका लड़ाई चल रहा है। मणिपुर का इशू है सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो लार्जर बर्मा, इंडिया और म्यांमार सब मिल के एक कुकी का बड़ा कुकी लैंड बनाना चाहता है, तो इसके वजह से उन लोगों ने दंगा शुरू किया था। तो अभी वो लोग मांगने के लिए तो कुछ भी मांग सकते हैं। वही तो, नार्को टेररिज्म इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो अभी हमारा मणिपुर के अंदर पे जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें पॉपी प्लांटेशन किया गया है, तो उसको रोकने के लिए हमने मांग किया था। हम कुकी के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं कहते हर कुकी फॉरेनर है, हम नहीं कहते, लेकिन कुकी प्लांटेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ कुकी नहीं कर रहे, बाकी का और भी कर रहा है। हमारा लड़ाई कुकी के ऊपर में नहीं है, हमारा लड़ाई तो सिर्फ ये है कि पॉपी प्लांटेशन को हटाना है, जो भी कुकी हो, मीतेई हो, कोई भी हो, जिस समुदाय हो, इंडिया गवर्नमेंट का हो, होम मिनिस्टर हो, असम राइफल भी है, क्योंकि असम राइफल भी जितना भी पॉपी प्लांटेशन के जगह पे असम राइफल का कैम्प है, उसका मतलब ये नहीं है, ये है कि वो भी पता है, सो दे आर ऑल्सो नॉट सेइंग एनीथिंग, इट मीन्स दैट दे आर सम बेस्टेड इंटरेस्ट विद इन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल्सो। और किसी पिछले साल कुछ ईयर के पहले अब मिलिट्री का ऑफिशियल वाला वो ड्रग के साथ पकड़ रहा था, सो ड्रग बिजनेस इज ए वेरी ह्यूज बिजनेस। तो सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर में हम नहीं बोल सकते, मगर पॉपी प्लांटेशन को दबाना है। ड्रग्स वगैरह पकड़े जा रहे हैं, तो क्या वहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अभी भी चुपी है? हाँ, जो ये ड्रग्स हैं वो सरकार भी वो कोशिश कर रहा है, मगर वो लोग छोटा छोटा आदमी को पकड़ रहा है, बड़ा बड़ा आदमी तो पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, जो भी हो, तो हमारा कहना है कि मणिपुर को फ्री पॉपी बनाना है, जो भी हो उसी से बंद करवाना है। तो हमारा कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में मेरा हमारा कहना है। इलीगल इमिग्रेंट्स के लाइक अभी तक कितना इमिग्रेंट्स हम पता नहीं है, मगर ये पता है कि बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स आया हुआ है, मगर ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हटाना, उसको आइडेंटिफाई करना और इसको डिपोर्ट करना, और अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही सरकार, वो लोग कुछ नहीं किया है। मगर फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, उसका नाम है मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन। तो ये फरवरी में बनाया था, ये भी मणिपुर का प्रजा ने जितना संगठन करने के बाद, 10 साल संगठन करने के बाद ये कमीशन बनाया था। तो कमीशन ने कुछ काम भी शुरू कर दिया था और उन लोगों ने कुकी आइडेंटिफाई करके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जो कुकी फॉरेनर्स हैं, कम से कम 5,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। तो वो लोग अपने एक सेटलमेंट और एक जगह बना के उसमें रहने के लिए कोशिश किया था, मगर वो लोग वहीं पे नहीं रहना चाहते, वो लोग घर बना के रहना चाहता है। तो इसी स्टेप को रोकने के लिए ये धंधा शुरू किया था। अच्छा, हम जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने ये भी कहा, हमने जब पूछा तो, कि जो मंदिर तोड़े गए आप लोगों के, वो आप लोगों ने खुद तोड़ा। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ये बहुत अफसोस की बात है कि मणिपुर के अंदर में अभी तक भी चर्च इम्फाल में सारे कुकी का चर्च और भी है, और नागा का जो भी चर्चेस हैं अभी भी है और इम्फाल में भी है। मगर मैं ये एक सवाल आपको पूछूंगा कि आप मई 3 के पहले एक भी चर्च बर्निंग का कोई इशू नहीं है,
क्योंकि मितई ने जस्ट वो अटैक किया था वो मेयर थार का एक रिजल्ट था, उसके पहले कोई ऐसा इशू नहीं था। मगर पिछले 5-10 साल से मितई का जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उसमें अटैक करना ऑलरेडी कुकी लोगों ने कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ 2015 पे जब मणिपुर में एक ILP का मूवमेंट हुआ था, इसी समय पे मोरे पे मणिपुर का कोंडोंग ILP को उन लोगों ने आग लगाया था और घर को जलाया था। उस समय में मितई कुछ नहीं बोला, ठीक है। और 2020 में मणिपुर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, उसका नाम है कौब्रू। ये कौब्रू मितई के लिए जान है, इट्स लाइक अमरनाथ यात्रा, तो हिंदू अमरनाथ यात्रा है। इसी का कौब्रू को पूरा कौब्रू के हिल रेंज को उन लोगों ने आग लगा दिया है और उन लोगों ने पॉपी प्लांटेशन करने के लिए पूरा कौब्रू रेंज इसे फॉरेस्ट लेन इसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो पॉपी प्लांटेशन करने के लिए पूरा हमारा सीक्रेट प्लेस है उसका कुछ जगह छोड़ के पूरा हिल रेंज को आग लगा दिया था। तो ये हमारा ऊपर में बहुत हॉट वो था। इट्स लाइक इफ यू आर बर्निंग अमरनाथ यात्रा तो क्या बोलेगा। तो ये पिछले 2 साल से चल रहा है, तो मितई ने उस समय पे भी कुछ रिएक्शन नहीं किया था, ठीक है। और एक मंदिर है, ये मंदिर है हमारे शिव मंदिर है, ये 200 साल से उस कांगपोक भी डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी जला दिया था। तो इसके लिए एक रिएक्शन आया था, वो चर्चेस ब्रेक किया था। हमारा कहना है चर्चेस को बंद नहीं होना चाहिए। मैं तेई समुदाय के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आते हैं और कहते हैं कि हमारे लोगों को मार दिया गया। जब ये सवाल वहाँ ग्लैडी से पूछा जा रहा है तो ग्लैडी कह रही है कि वो खुद अपने ही लोगों को मार रहे हैं, खुद अपने ही लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये तो एक लाइक ये मितई और दूसरे लोगों का फर्क यही है। हमारा तो ये है कि अभी आप लोगों को दिखाएंगे कम से कम अभी 75 पीपल हैव बीन किल्ड बाय द कुकी टेररिज्म, ठीक है। और अभी तक 30 लोग अभी मिसिंग है, उसके अंदर में एक लड़की है, अभी वो भी पता नहीं है। और ये हमारा आज का प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है कि ऑन 3 तारीख में पूरा हमारा चौरचांदपुर के अंदर में 18,000 फैमिली को जला दिया था, उसी समय पे घर जला दिया है। और इवन पीपल ऑल्सो बिल किन, सिर्फ नहीं है, हमारे एक माता है वो 37 इयर्स का एक लेडीज है, उसका 3 बच्चे हैं, वो वही घर से वो एक्चुअली वो भागने का कोशिश कर रहा था, उसको 5 लोगों ने बलात्कार किया था। तो ये पहले तो आया नहीं था, बाद में आया था, मगर अभी तक इस केस के मामले पे कोई कार्रवाई नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। तो इसके वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो उस दिन में बलात्कार हुआ था उन लोगों को पकड़ना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से अपने काम में जो है वो फेल है और उसके ऊपर से जो वहाँ पर और कारनामे हो रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जो एक हमारा बहुत अफसोस की बात है क्योंकि 2 लड़कियों को प्रदर्शन हुआ था, सब मितई लोग उसके खिलाफ है और मीरा पाई भी अपने घर से आके इतना संगठन आके उसके घर को भी आग लगाया था। और जितना भी इम्फाल में मितई लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, उन लोगों को दंड होना चाहिए, ऐसा आया था मितई के लोगों में। अभी जब कुकी एक मितई का रेप का केस आया था उसमें एक कुकी सिविल सोसाइटी एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉन्डेम भी नहीं किया, ये है फ़र्क। जो कुकी के साथ हुआ है हम लोग उसके खिलाफ है, ठीक है, और मीरा पाई भी उसके खिलाफ है और हमारे पूरा संगठन उसके खिलाफ है। मगर अभी हमारा एक मितई की लेडी का रेप हुआ था तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना। कहा उन लोगों ने खुद ही कर लिया था। तो अभी तो खुद ही रेप खुद करेंगे ग्लैडी के और उनके समुदाय के लोगों का कहना। नहीं, मेरा एक लड़की ना अभी उसने जबान दिया है कि वो एक्चुअली 650 के आसपास में उसको 5 लोगों ने पकड़ के बलात्कार किया था। 4 लोग उसका FIR के तरफ से वो कह रहा है 5 उसने 4 लोगों ने किया है, मगर 5 वाला ने किया नहीं किया वो पता नहीं कि वो अनकॉन्शियस था। तो ये अभी मीडिया में नेशनल मीडिया में सब आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि और मेडिकल टेस्ट भी हो गया है। तो एक देयर इज एन एलिगेशन ऑफ रेप बाय द 5 miscreants ऑफ कुकी, बट इफ ए रीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर कम्युनिटी शुड ऑल्सो कंडेम सच काइंड ऑफ थिंग, लाइक मितई कंडेम व्हेन द कुकी 2 girls वर पैरेडेड नेकेड, वो हम उसके खिलाफ था, ऐसे होना चाहिए है ना। तो हमारा है कि अभी तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है और मणिपुर की सरकार ने भी जो 2 लड़की के साथ हुआ था उसके एज ए पार्ट ऑफ द यू नो
कंपेंसेशन, वो कंपेंसेशन 2-10 लाख करके देके उन लोगों को कंसोल करने की कोशिश भी की है। इंटरनेट बैन है अभी तो, इंटरनेट बैन है अभी तो। क्या लगता है आपको क्यों बैन है अभी? ना अभी सब ने बोला है कि इंटरनेट को भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, इन्फॉर्मेशन गलत जा रहा है, मगर सभी जगह में बैन नहीं है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बाय इंटरनेट फैल रहा है, कौन फैला रहा है वो लोग, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग इन टू इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग उसको बनाएंगे और देयर इज अ रूमर्स विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन। तो इंटरनेट, यू कैन नॉट स्टॉप इंटरनेट फॉर मोर देन 4 मंथ्स। इंटरनेट इज अ लाइफ, जो बैंकिंग होता है, जो भी होता है, वो इंटरनेट के साथ होता है। तो इजंट लाइक इट्स एक्चुअली अलाउइंग टू नॉन एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, इसलिए उसको अभी तक नहीं, नहीं उसके लिए नहीं है, उससे कुछ एजेंडा भी होगा। हमारा मांग कि इंटरनेट भी खोलना चाहिए और इंफॉर्मेशन भी अभी इंटरनेट एक्चुअली बैन निकालना चाहिए। हाँ, ये जो है ये मतई समुदाय के हैं और यहाँ पर आए धरना, आज इनका 10वां धरना यहाँ पर, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो है कुकी और मतई समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ से जंगल काट रहे हैं और नार्को टेररिज्म का भी इन्होंने जो है वो जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और इंटरनेट सरकार पूरी तरीके से अभी भी फेल है। 147 दिन हो गया है लेकिन अभी भी वहाँ पर जो आपस में लड़ने झगड़ने की जो उनकी कहें हम 147 दिन की परंपरा पिछली चली आ रही है, वो अभी भी पूरी तरीके से जो है रफ्तार पकड़े हुए। अब देखने की बात ये होगी कि ये आखिर कब रुकेगी, बताइए। हाँ, और मैं आज का प्रदर्शन का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमारा महिला पाई भी है, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, और उसके महिला पाइपिंग की वजह से हम अभी तक जिंदा है। पिछले साल से जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर का जो भी हुआ है, इवन इन दैट ऑल्सो महिला पाई भी आर डिफेंडिंग द कम्युनिटी। तो अभी असम राइफल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर एक्चुअली कैंपेनिंग अगेंस्ट द महिला पाई भी फॉर डिलिजिटमाइजेशन, ठीक है। तो महिला पाई भी ये कह रहा है कि असम राइफल एंड सिक्योरिटी फोर्सेज दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, their work is to protect the people, but they have failed to protect the people, rather they are blaming to the women organization. Wo galat hai, wo women organization ko jo hai, ha ye like wo uska apne kaam nahi kar, they are not doing their work, but rather they are blaming to the mera pai bhi, wo galat hai। aur ye iske khilaf mein bhi aaj sangathan hai jo Manipur se mera pai bhi ke leader hai yahan pe aaya hai, so they are coming here। So हमारा महिला पाई भी है जो उन लोगों का एक्चुअली ये मांग है कि सस्पेंशन ऑपरेशन को हटाए। सो सस्पेंशन ऑपरेशन क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट है कि बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कुकी के बीच में जो एग्रीमेंट्स है उसको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कुकीज बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑपरेशन। मगर हमारा आप भी ये सोचिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज? सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है कि कोई किसी बंदूक लेके अभी अनजान और सिविलियन को मारे तो उसको रोकना है। उसका रोल इज़ टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, है ना, बट दे आर इन अदर सेंस दे आर वॉचिंग, दे आर जस्ट लाइक स्पेक्टेटर। जितने भी फोर्स है ये बैठ के उसको देख रहे हैं। लाइक अभी तो ये चल रहा है, अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था कि असम राइफल्स देयर हैंड्स आर टाइट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम द हायर अथॉरिटी बिकॉज ऑफ वो सस्पेंशन ऑपरेशन का प्यार का बंधन है। कुकी और असम राइफल्स और सिक्योरिटी का प्यार का बंधन की वजह से जो मैतई का फैमिलीज को आग जलाया था उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया था। तो अभी जब तक सस्पेंशन ऑपरेशन नहीं हटाएंगे तो असम राइफल और सिक्योरिटी फोर्सेज उनके ऊपर में एक्शन नहीं लेगा। इट इज़ नॉट अगेंस्ट, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ असम राइफल ऑल्सो, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ आर्मी। मेरा कहना है कि हमारा जितने भी मैतई से वो फोर्स में है, असम राइफल्स में है और आर्मी में है, कैप्टन में भी है। सो प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ऑर्डर टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोस, बिकॉज इफ दे आर नॉट गेटिंग ऑर्डर हाउ कैन दे टेक एक्शन। जो सस्पेंशन ऑफ ये प्यार का बंधन है उसको तोड़ना चाहिए। जब तक प्यार के ये प्यार के बंधन में फंस रहा है पूरी तरीके से मैतई समुदाय। हाँ, जो ये मणिपुर का एक वैली है जो हमारा सस्पेंशन ऑपरेशन का 15 डिजिग्नेटेड कैम्प है वो पूरा कॉर्नर किया है। सो वह ये मीडिया में भी ये आया है,
जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का केम है उसके पास में असम राइफल्स हैं, तो जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है उसके किसी किसी सम बिहाइंड है असम राइफल का कैंप भी है। तो पीपल का अभी बहुत वीकनेस भी आ गया है, उन लोगों का कहना है जो मणिपुर में सस्पेंशन ऑपरेशन नहीं हटाएंगे तो चोरचांदपुर के मैथई लोग कैसे वापस आएंगे और बोरे के कैसे लोग वापस जाएंगे। तो हमारा मांग है कि महिला पाइपी के ऊपर में और इसको इसके खिलाफ में जो आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो मत करो। हमारा कहना है अपने काम करो, ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस आपका काम है लोग को प्रोटेक्ट करना, लोग को बचाना, ये आपका काम है। तो ये काम नहीं कर रहे हैं तो जो देख रहे हैं इसके वजह से कुकी और इवन मैथई लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं और खुद दे आर्मिंग द सिचुएशन। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों को प्रोटेक्ट रहे, लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ की ये स्थिति है कि पूरी